आपको मुंबई से अंधेरी ईस्ट सीट को लेकर अपडेट। अंकुश अंकुश क्या फिलहाल यहां अपडेट, क्योंकि उद्धव गुट की जीत लगभग तय मानी ही जा रही है। आज भी जीत लगभग तय मानी जा रही है। 11 राउंड की जो काउंटिंग है वो पूरी हो चुकी है, टोटल 19 राउंड है और अब तक 55,000 के आसपास वोटों की गिनती हो चुकी है। अगर 55,000 के वोटों की अगर बात करें तो 42,000 वोट जो है वो उद्धव गुट की जो ऋतुजा लटके है उनको प्राप्त हुए हैं और जो दूसरे नंबर के कोई प्रत्याशी नहीं है बल्कि नोटा के आंकड़ा है, नोटा का आंकड़ा करीब 8,000 के आसपास है। जो अंतर है 42,000 और 8,000 का काफी बड़ा है और इससे ऋतुजा लटके की जो जीत है लगभग तय मानी जा रही है और उस तरीके के उत्साह भी यहाँ पर जो काउंटिंग सेंटर है वहां पर देखने को मिल रहा है। तमाम जो कार्यकर्ता है उद्धव ठाकरे गुट के वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और उसमें जश्न मनाया जा रहा है। हाथों में भगवा झंडा लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और पार्टी की यहाँ पे नारेबाजी की जा कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा दिन है इनके लिए क्योंकि महाराष्ट्र में सत्ता संघर्ष के बाद ये पहला चुनाव था और उसमें उद्धव गुट की ये जीत कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में जोश भर रही है। उनसे बात करते हैं, इस जीत के बारे में क्या कहेंगे, इस जीत के बारे में क्या कहेंगे, कितना जोश आप है? जीत तो हमारी तय थी, लड़ाई बीजेपी के विरुद्ध नहीं है, लड़ाई गद्दारों के विरोध में है और गद्दार बोल रहे थे ना कि शिवसेना खत्म होगी, ये उनका जवाब है और ये अभी झांकी है और आगे तो पिक्चर बाकी है। म्यूनसिपालिटी कॉर्पोरेशन का ये पहला एक हमारा डेमो है। 2 महीने के बाद बीएमसी का इलेक्शन है तो कितना जोश दे रहा है आपको ये इलेक्शन का नतीजा? जरूर जोर देगा ना, अभी हमारे शिवसेना एक तो पीछे हट गया बीजेपी वाला, उनको तो पराजय दिख रही थी उसके लिए वो हट गया, लेकिन वो हमारा जो विजय 100% होने वाला था उसमें कुछ उन लोग ने गद्दारी की, नोटा को बटन दबाने के लिए पैसा दे दिया और हमारा वोट थोड़ा सा कम करने का कोशिश किया। बिल्कुल, तमाम जो कार्यकर्ता पहुंचे हुए क्या कहेंगे इस जीत के बारे में? ये जीत के बारे में अंधेरी विधानसभा में जो रमेश लटके जी का, चलिए अंकुश बहुत बहुत शुक्रिया, लगातार बने रहेगा, आगे अपडेट्स लेते रहेंगे। तो देखिए ये हाल है फिलहाल 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर आ रहे नतीजों का, रुझान आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।